ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा, ए का काम जो है बी का आधा, सही है। सी का काम का, ए का काम जो है बी का आधा, सी का तीन चौथाई। तीन चौथाई का मतलब होता है सी का तीन चौथाई, सी में का लगल है नहीं चार, तो ही आई तीन होने का मतलब ही छह। ए बी का आधा, बी का आधा हो गया, तथा सी का तीन चौथाई। सी का तीन चौथाई मतलब सी चार तो ए तीन, तो सी चार तो ए तीन, क्या एग्री है। आगे रेशियो लिखना आ रहा है, रेशियो का काम है। आगे कहमा था 23, यदि ए अकेला उस काम को 12 दिनों में, ए अकेला उस काम को 12 दिनों में, तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है तीनों मिलकर, तो जल्दी जोड़िए 6 4 10 3 कितने दिनों में, तो 36/13। अब 36/13 है तो हल मत करते रहिए, तुरंत ऑप्शन देखिए कि 36/13 कौन आ रहा है, ए नंबर तो ए होगा। फिर से आप लोग जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मार्केट में हमारी एक किताब आ गई है, 19 में जितने क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एलडीसी में, और सारे क्वेश्चन का सेट आपका आ गया है, एक बार बना लेंगे हर एक चैप्टर को खोज करके, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगा। सीजीएल वाले भी वो भी आ जाएगा, फिर उससे भी बना लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हमने जो पढ़ रखा उसी तरह का प्रश्न आ रहा है कि अलग आ रहा है। अभी आए हैं एलडीसी वाले, समझ रहे हैं, जो इंटरमीडिएट पर होता है, उसके बाद आने वाले हैं एकाध सप्ताह के अंदर सीजीएल वाले, और उसके बाद सिर्फ मैथ का रहे हैं जो एमटीएस से लेकर सीजीएल तक के लिए ही रहेगा। 4-5 किताबें लगातार इस साल मेरी आ रही है, जितना बनाना है बनाते रहिएगा। बढ़े आगे 24, ध्यान दीजिए 24 तो लगता है अभी हाल फिलहाल आया हुआ, आप पढ़ने पूछने दीजिए। ए का ए बी से आधा है, रेशियो लिखने लगता नहीं आ रहा आप लोगों, ए बी से आधा है, समझ में आया कि रेशियो फिर से पढ़ाए। सी ए और बी के साथ मिलकर काम करने वाले समय का आधा, सीखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है, हड़बड़ाइए नहीं, हड़बड़ाइए नहीं। सी कॉमा ए और बी के साथ मिलकर कर सकने वाले काम का आधा है, मतलब सी जो है ए और बी का, मैं नहीं कर रहा हूं प्रश्न लिख रहा, सी ए और बी के साथ मिलकर काम कर सकने वाले काम का आधा करता है, यानी 3/3। अब आप खुद एफिशिएंसी बोल सकते हैं 2 4 3। सी अकेला 40 दिन में, सी अकेला तो तीनों मिलकर 4 3 7 2 9 कितने दिनों में, अभी तो आया था 13.1/3। फिर से बताऊं, एफिशिएंसी लिखो, काम खत्म। पिछले असाइनमेंट अलग है ना, वही है। पच्चीस, ए किसी काम को 12 दिन में जबकि बी उसी काम को 8 दिन में, कलम रोकिए, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। ए 12 दिन में, बी 8 दिन में, 12 8 से कटने वाली राशि
यानी दो और तीन कलम रोकना सीखे रोके सी उस काम को उस अवधि के चार बटा पांच में पूरा करता है जो ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं। सी का समय जो है ए और बी के समय का चार बटा, दिमाग को भी रोक लीजिए एक सेकंड, मैं जो बोलता हूं सुन लीजिए। सी का समय जो है ए और बी के समय का चार बटा पांच है, और मैं समय नहीं लिख रहा हूं, मैं इफिशियंसी लिख रहा हूं। तो सी का समय ए और बी का चार बटा पांच है, तो समय अगर चार बटा पांच है तो इफिशियंसी हो जाएगा पांच बटा चार। अगर मैं आपसे दुगना समय ले रहा हूं, इसका मतलब हमारी इफिशियंसी आपका आधा है। तो समय अगर चार बटा पांच है, यानी इसका मतलब इफिशियंसी पांच बटा, तो ए और बी का पांच बटा चार सही है। ये पांच बटा चार क्यों है समझ में है? समय चार बटा पांच गुना है, तो समय अगर चार बटा पांच तो इफिशियंसी हो जाएगा पांच बटा अच्छा। अब चाहे तो आप हर कैल्सियम से गुना कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, वो आपकी रंगदारी चलेगी। बोलिए कर दें। आठ बारह पच्चीस, चार से गुना किए हैं, इसलिए काम जो आपने चौबीस माना था ये हो जाएगा चौबीस चौ, ये छियानवे क्यों होगा? बोलिए काम कितना माने थे? चौबीस, और चार से गुना कर दिए इसलिए चौबीस चौ। अगर भूल भी गए तो देखिए, ये बारह दिन में, बारह दिन का मतलब बारह आठ छियानवे, बी आठ दिन में, आठ दिन का मतलब बारह गुने आठ छियानवे, हाँ या ना? तो पूछ रहा है सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जरा केयर कीजिएगा। यदि ए और बी ने मिलकर उस काम को तीन दिन तक किया, तीन दिन तक, यानी बीस गुने तीन कर दिया, इसके बाद समझ लीजिए कुछ गड़बड़ होगा तो बोलना। ए और बी मिलकर तीन दिन काम किया, यानी बीस दिया सा, शेष काम सी ने पूरा किया, शेष काम सी ने पूरा किया, तो सी का समय बताइए बन पाएंगे? हम आपकी जगह रहते, लिखिएगा बाद में टाइम दे दूंगा। तो मैं सीधे करता, ए और बी ने तीन दिन किया तो बीतिया, तो छियानवे में साठ खत्म, बच गया कितना? छत्तीस काम सी अकेले, तो छत्तीस बटा पच्चीस, यानी एक पूर्णांक ग्यारह बटा पच्चीस। ऑप्शन में कहीं है? लिख लीजिए, अब लिखने की मर्जी, जल्दी कीजिए, ध्यान देंगे। किसी कार्य को ए उतने समय में करता है जितने समय में बी और, ए उतने ही समय में जितने समय में बी और सी, यानी ए बराबर मैं लिख सकता हूं बी प्लस सी, अगर आपको गुस्सा ना आए तो। ए उतने ही समय में करता है जितने समय में बी और, यानी ए बराबर बी प्लस सी। यदि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिनों में और सी अकेले 50 दिनों में, तो आप जल्दी से बोलिए 10 और 50 से कटने वाली राशि, 50 लाने के लिए 5 एक, नहीं आ रहा, आ जाएगा, नेट स्लो हो गया, आ रहा है, आ जा आ गया, चलिए हल्ला करते हैं तो आ जाता, हल्ला करते रहिए, और okay, हल्ला करते रहे तो चुप हो जाते, आप लोग को उल्टा करने की आदत है, हल्ला करो तो खुलेगा, शांत होकर देखते हैं क्या होता है। मतलब आप पढ़ने के लिए नहीं, हमें तंग करने के लिए आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमें पूछा गया बी अकेले उस काम को कितने दिनों में, तो बी की इफिशियंसी मुझे हर हालत में चाहिए, इसके लिए मैं एक काम करता हूं, इस लाइन का यूज करता हूं। ए बराबर क्या लिखा हुआ है? तो ए की जगह मैं बी प्लस सी लिख दूं, तो इसका मतलब हो गया कि ए की जगह बी प्लस सी और प्लस बी है कि नहीं। तो अब जल्दी से जवाब दीजिएगा कि सी का मान एक है, तो
तो पांच में से एक घटा देंगे तो टू बी बराबर चार, यानी बी का मान दो, यस या नो का जवाब भी चाहिए। मैंने आप लोगों से कहा कि सी का मान कितना था, तो एक रख देंगे तो टू बी का मान कितना बचेगा, और टू बी बराबर चार यानी बी का मान दो, अब बी का मान दो तो दो